हैरानी होगी तुहानू कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 बार जित्या होया हार गया, कोई 4 बार जित्या होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जित्या होया 6 बार जित्या होया नहीं आए विधानसभा च, उन्हां नू लखां रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की, किसी नू 3.5 लाख, किसी नू 4.5 लाख भी है, किसी नू 5.25 लाख भी है। कि MLA भावें 2 बार जितते, 5 बार जितते, 7 बार जितते, पर उन्हें पेंशन सिर्फ 1 टर्म की मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनाई है और सरकार बनाने के बाद यहां पर विधायकों और सांसदों की पेंशन खत्म करने का निर्णय यहां पर जो है उन्होंने लिया है। जैसे कि आप यहां पर जानते हैं कि कोई विधायक यहां पर 1 बार विधायक बनता है तो उसकी पेंशन उसे मिलती है, 2 बार विधायक बने तो उसकी पेंशन मिलती है, कोई 5 बार विधायक मतलब उसे 5 बार यहाँ पर जो है पेंशन मिल जाती है, सांसद हुए तो उसकी अलग पेंशन, मतलब 5 लाख से 8 लाख रुपए तक यहां पर जो है उन्हें पेंशन के तौर पर ही मिल जाते हैं। इससे सरकार के खजाने पर बोझ पड़ता है और इतना तो यहां पर उन कर्मचारियों का जो कि यहां पर बहुत मेहनत करते हैं उनका वेतन तक भी नहीं होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर भगवंत मान CM पंजाब की ओर से बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लिया गया है और उन्होंने अब यहाँ पर कह दिया है कि जो भी MP MLA यहाँ पर है उन्हें अब केवल 1 ही पेंशन यहां पर दी जाएगी। और उन्होंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहते हुए घोषणा की है कि पंजाब सरकार ये घोषणा करती है कि उनके क्षेत्र में जो भी MP MLA सांसद अभी तक यहां पर रहे हैं उन सब के लिए अब 1 MLA 1 पेंशन का नियम यहां पर जो है लागू होगा, यानी कि केवल 1 ही पेंशन वो यहाँ पर जो है ले पाएंगे। साढ़े राजनीतिक लोग जेडे MLA वो हाथ बन के लोगों तो वोटा मंगते हैं कि सेवा का मौका दो जी, कई तो राज नहीं सेवा कह के भी जड़े ने वोटा मंगते हैं। तो हैरानी होगी थानू कि बहुत सारे MLA जोड़े कोई 3 बार जितया होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया 6 बार जितया होया नहीं आए विधानसभा, उन्होंने लखा रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की, किसी नू 3.5 लाख, किसी नू 4.5 लाख भी है, किसी नू 5.25 लाख भी है पेंशन। तो खजाने ते करोड़ों रुपया का बोझ पैंदा। कई MPs भी इहो जे ने जिहड़े MP दी भी पेंशन लै रहे ने ते इत्थे पहले MLA रहे सी उहदी पेंशन भी लै रहे ने। सो अज एक बहुत वड्डा फैसला पंजाब सरकार वल्लों मैं करन जा रहा हां कि MLA भावें 2 बार जितते, 5 बार जितते, 7 बार जितते, पर उन्हें पेंशन सिर्फ 1 टर्म की मिलेगी। सिर्फ 1 टर्म की पेंशन उन्हें मिलेगी, जित भावें वह जिनी बारी मर्जी जाए। तो नाल करोड़ों रुपया जिहड़ा इहदे पेंशन कटाउण नाल बचेगा उन्हें लोगों की भलाई पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि सेवा करन दी इन्नी पेंशन किसी भी पक्षों जायज़ नहीं हैगी। जैसे कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय यहाँ पर केवल 1 ही पेंशन मिलती है, उसी तरह से MP MLAs को भी यहाँ पर किसी भी 1 पेंशन का ही लाभ यहाँ पर जो है दिया जाएगा, जिससे कि सरकार का बजट भी यहाँ पर बढ़ेगा और सरकार के तहत जो अतिरिक्त 5 से 8-8 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए तक की पेंशन 1 MLA 1 सांसद को यहाँ पर दी जाती थी उसमें भी जो है कटौती होगी और इस पैसे को आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब के जनहित कल्याण के लिए यहाँ पर यूज़ करेगी। पंजाब सरकार की ओर से लिया गया ये फैसला आपको कैसा लगता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बनी रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।